सीखने वाले कि सदिश का परिमाण हम कैसे ज्ञात करते हैं। हालांकि इसका डेरिवेशन आपको क्लास में दे दिया गया है, बट हम आज सीखेंगे कि सदिश का परिमाण कैसे निकाला जाता है। जैसे मैं कह दूं कि दो सदिश हैं जिनके बीच का जो सदिश कोण है वो अल्फा है और दोनों सदिश पी और क्यू है क्रमशः, तो अगर उसका परिणामी पूछा जाए तो परिणामी का परिमाण आर बराबर बताते हैं सूत्र कर्डी में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस अल्फा, जहां अल्फा क्या है वेक्टर पी व वेक्टर क्यू के बीच का कोण होता है। लेकिन फ्रेंड्स ये ध्यान दीजिएगा, अगर आपको केवल एक सदिश देकर उसका परिमाण पूछे तब आप क्या बताएंगे। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे वेक्टर ए बराबर टू कैप आई प्लस थ्री कैप जे प्लस फोर कैप के, अगर इसका वेक्टर ए का परिमाण पूछ लिया केवल एक सदिश का तब आप कैसे निकालेंगे। यहाँ पर क्या था, दो सदिश दिया था पी और क्यू, उसका परिमाण निकालना होगा इस सूत्र से निकालेंगे। बट अगर एक सदिश दे दे तो उसका परिमाण हम कैसे निकालेंगे, उसको परिमाण निकालेंगे हम क्या करेंगे, वेक्टर ए का परिमाण को हम ए लिखते हैं या मॉड वेक्टर ए लिखते हैं, क्या लिखते हैं ए या मॉड वेक्टर ए लिखते हैं। उसके इसका सूत्र क्या होता है, रूट ओवर कैप आई को गुणांक ओवर कोएफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर करेंगे प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे को ओवर करेंगे और कोएफिशिएंट ऑफ के को ओवर करेंगे। मतलब हिंदी में कहें तो कैप आई का गुणांक, कैप आई गुणांक कितना है दो, दो का वर्ग प्लस कैप जे गुणांक कितना है तीन, तीन का वर्ग प्लस कैप के गुणांक कितना है चार, तो चार का वर्ग हो जाएगा, कितना हो जाएगा रूट ओवर क्या हो जाएगा दो का स्क्वायर चार प्लस तीन का स्क्वायर नौ प्लस चार का स्क्वायर सोलह, सोलह नौ पच्चीस चार उन्तीस, उन्तीस एक अभाज्य संख्या, इसका वर्गमूल निकल पाएगा यह आंसर हो जाएगा। यानी वेक्टर ए का परिमाण होगा कर्डी में, और जब पाएंगे सर वेक्टर ए परिमाण कैसे एग्जिस्ट कर सकता, हो सकता है क्योंकि वेक्टर है तो वेक्टर में सदिश, अगर वेक्टर सदिश राशि है तो उसमें परिमाण दिशा दोनों होना जायज है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो है ये परिमाण है इसका दिशा भी हो सकता है, दिशा भी अब निकालने का तरीका मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, तब तक रह जाएगी।